कह रहा है अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस या दैट से, तो आप टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे इट, क्योंकि दिस और दैट से जेंडर का पता नहीं लगता। दीज या दोज से तो आप बनाएंगे दे। अगर देयर से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा देयर से ही। अगर वन से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा वन से ही। समझ पा रहे हो? टैग बनेगा वन से ही, यानी सेंटेंस में अगर वन है तो टैग में वन ही आएगा। सेंटेंस में अगर देयर है तो टैग में देयर ही आएगा। दीज और दोज हैं तो दे आएगा, दिस और दैट है तो इट आएगा। कैसे मैम? मैंने कहा दिस इज माय बुक और एग्जामिनर कह रहा है इसका टैग बनाओ, तो रूल सिखा रहा है भाई दिस से लाइन शुरू हो ना, तो टैग का सब्जेक्ट इट बना देना, ये सिखा रहा है ये रूल हमें। इफ हमारी हेल्पिंग वर्ब है आ गई, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, यानी कि हमने कर दिया इजंट, तो क्या टैग तैयार हुआ? इजंट इट, इजंट इट, दिस इज माय बुक, टैग क्या बन गया? इजंट इट। मैंने कहा दिस बॉय इज ऑनेस्ट। देखो इसी रूल में आपके क्वेश्चन को मुश्किल करने का तरीका, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका एग्जामिनर क्या अपनाता है, बच्चा देखता है दिस है दिस है, लेकिन अब की बार सब्जेक्ट दिस है ही नहीं, अब की बार सब्जेक्ट है दिस बॉय, यानी टैग टैग में इट नहीं ही आएगा। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं बच्चों से क्वेश्चन टैग के टॉपिक में। टॉपिक बहुत आसान है पर एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है बेटा, और पेपर में आप लोग प्रेशर में होते हो तो ध्यान से देखना। दिस अगर सब्जेक्ट है तो ही टैग इट से बनेगा, यहाँ पे दिस बॉय सब्जेक्ट है तो ये लड़के की बात हो रही है, लड़के के लिए ही लगाना है इट नहीं लगाना। समझ गए बेटा?